अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी जो 2 मिनट में आप कर सकते हैं। और ये मैंने 13-14 साल की बच्ची का ट्राउज़र कटिंग कर रही हूँ। 36 इसकी मैंने लंबाई तैयार रखनी है। तो ठीक है, आप अपने साइज़ के हिसाब से जितनी भी आपने लंबाई चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप साइज़ कर लीजिएगा। बाकी तरीका आप देख के इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। ये जो अर्ज़ जो तय हुआ वो होता है उसी को मैंने डबल करके ये 4 तय लग गई हैं कपड़े की। जो खुली वाली साइड है वो मैंने अपनी साइड पे रखी है। और नीचे से पहले मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है पांचे के लिए, जो पांचा हम नीचे मोड़ देंगे 3 इंच की, उस पर मैंने निशान लगा दिया। और फिर इसके ऊपर मैं वहाँ से 3 इंच से नीचे से फिर मैं नाप रही हूँ और ऊपर मैंने ये देखे इस तरीके से, और ऊपर मैंने 36 पे निशान लगाया पहले लेंथ लेने के लिए। ठीक है, 36 मेरी तैयार लेंथ होगी। तो 36 पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद मैं ऊपर 2.5 इंच ऊपर जो हमारी इलास्टिक सिलती है ट्राउज़र में उसके लिए मैं 2.5 इंच ऊपर निशान लगा रही हूँ। जो हमारा नेफा मुड़ता है उसमें इलास्टिक सिलती है उसके लिए मैंने 2.5 इंच ऊपर निशान लगा लिया। और फिर मैंने ले लिया है ट्राउज़र का आसन लेना है मैंने 14 इंच तैयार। तो जो हमने नीचे लंबाई की निशान लगाया वहाँ से हम दोबारा नापेंगे इसको, तो 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहीं से हम दोबारा से इसकी ट्राउज़र की चौड़ाई लेनी है। हमने 14 इंच तैयार हमने लेनी है तो सिलाई में भी आएगा, तो मैं 15 पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने 15 पे निशान लगाया और इससे फिर ऊपर से ले जाऊँगी टॉप पर मैंने फिर 13 पे निशान लगाया। 2 इंच ऊपर से मैंने वेस्ट से कम कर दिया। ठीक है, तो उस वहाँ से लेके फिर मैं इसको आसन वाली निशान के साथ मिला दूँगी इस तरह से थोड़ा सा उसको राउंड में देते हुए। ठीक है, और फिर नीचे से मैंने 5-6 इंच तैयार रखना है तो मैंने 7 पे निशान लगाया है। ठीक है, 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है और अब इसको मैं इस तरीके से शेप दे रही हूँ बिल्कुल सिंपल से ट्राउज़र की। और फिर अब इसको मैं कटिंग कर दूँगी। यहाँ से ही निशान आपको नज़र आ रहा होगा शायद वीडियो में, ठीक डार्क नज़र नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। तो उसी निशान के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आपका जो है ना ट्राउज़र कटिंग हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र है और बहुत ही ईजी इसकी कटिंग है और सिलाई भी इसकी बहुत ईजी है। तो अगर कोई किसी ने इसकी सिलाई सीखनी हो तो सिलाई की वीडियो चाहती है कि मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए ट्राउज़र की सिलाई की मुकम्मल वीडियो बना दूंगी। तो जहाँ पे मैंने नेफे का निशान लगाया था ऊपर 2.5 इंच पे, वहाँ मैंने टुक लगाया है कि मैंने इतना मोड़ना है। और नीचे जो मैंने 5-6 का 3 इंच नीचे करके निशान लगाया था वो उधर से मैंने टुक लगा दी कि मैंने इतना 5 मोड़ना है। आप भी ये निशान लगा लेंगे तो आपको मोड़ते वक्त ईजी होगा, आपका फिर जो साइज़ है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, इसका ये फ़ायदा होता है। तो ये सिल के इस तरीके से ट्राउज़र तैयार हो जाएगा हमारा। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।